क्योंकि हमारे को पता नहीं था कि इसमें बैक एयर कैसे लगता है। अब और हमने सोचा कि इस गाड़ी में हो सकता है बैक एयर हो ही ना। अब आप देखेंगे अपनी गाड़ी बैक जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार सियाग। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। भाई साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मैं सूर्य प्रकाश बंसल, सरदार शहर, और हमने ये फार्म हाउस में ही काम चालू किया है क्योंकि सिटी में इतनी जगह मिलनी मुश्किल रहती है। तो ये अपना सरदार शहर से जयपुर रोड पे, सरदार शहर से 11 किलोमीटर चलने के बाद में लेफ्ट हैंड को आता है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा है। बेसिकली काम फर्नीचर बनाने का है और छोटे गिफ्ट आइटम भी बनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कार दिखाएंगे जिसने अपने लगभग 70 साल पूरे कर लिए हैं और आज भी ये सड़कों पे वैसे ही दौड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह आज की नए ज़माने की फरारी या मर्सरी से भी मैं इसकी तुलना कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से उन गाड़ियों की 70 साल लाइफ आज के दिन किसी भी गाड़ी की नहीं होगी। आप देखेंगे ये 1954 मॉडल है, और अब मैं आपको इसमें स्टार्ट करके और राइड करके दिखाऊँगा। आइए भाई साहब, इसमें खास क्या है? इसमें जो खासियत है वो भी आपको पता चलेगी। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने चाबी ऑन की है, फिर आप देखेंगे कि ये हैंडल है इसको स्टार्ट करने के लिए। आप सभी दर्शकों को दिखा सकते हैं, हैंडल से स्टार्ट होती है। देखिए ढक्कन किस तरह से मैं खोल रहा हूँ, ये हैंडल इस तरह से मैं डाल रहा हूँ, ये हैंडल लगा दिया है मैंने, फिर मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लीजिए सर, गाड़ी आपकी स्टार्ट है, हो गई। साउंड देख सकते हैं आप, बहुत सी बार तो यूँ लगता है कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है, पता भी नहीं चल रहा, इतनी साइलेंट गाड़ी। अभी कंपनियां अपने आप में होशियार हो रही है, हम ये बना रहे हैं वो, अरे क्या बना रहे हो आप, आपकी गाड़ी साइलेंट है ही नहीं। देखो अब अपन इसमें राइड का आनंद लेंगे। ये आप देख पाएंगे कि पुरानी फिल्मों में इस तरह का सूटकेस दिखाया जाता था जिनमें रुपए पैसे रखे जाते थे, या इस सूटकेस के माध्यम से स्मगलिंग का काम भी किया जाता था, वो सब मनोरंजन के साधन थे। मैं भी शौक से रख रखा हूँ ये सूटकेस। अब अपन इसमें राइड करेंगे, सीधा खींच सकते हैं हैंडल से नहीं भाई साहब, हाँ यहाँ से पकड़ के खींचिए। आइए बैठिए और आनंद उठाते हैं आज राइड का आपके साथ मैं भी, वरना मेरे को भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये सब गाड़ियाँ चला पाऊँ। हॉर्न का आनंद लीजिए पहले, अब अपन इसका राइड का आनंद लेंगे। ये हाथ में गियर है आप देखेंगे, और ये अपनी फरारी चल पड़ी है। कितने गियर लगते हैं इसके? इसको आप थोड़ा सा यों कर लीजिए। इसमें चार गियर है, एक बैक गियर है आप देखेंगे, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि जब मैं इस गाड़ी को लाया था तो 2 महीने तक मेरे को 4 आदमी साथ में रखने पड़े क्योंकि हमारे को पता नहीं था कि इसमें बैक गियर कैसे लगता है। अब आपको बताया जाएगा बैक गियर कैसे लगता है। गियर की तरफ ध्यान दें ज़रा, यों किया, ये न्यूट्रल शेप है। मैं इस लीवर को थोड़ा सा बाहर खींच रहा हूँ, देखेंगे आप ये बाहर आ गया, और ये बैक, जो ये बाहर खींचने की टेक्निक है इसका हमारे को पता नहीं था, और हमने सोचा कि इस गाड़ी में हो सकता है बैक गियर हो ही ना। अब आप देखेंगे अपनी गाड़ी बैक जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल जा रही है। तो इस बैक गियर जब तक हमारे को नहीं मिला तब तक 4 आदमियों को साथ रखना पड़ा। जब गाड़ी बैक लेते थे तो वो आदमी धक्का देते थे और गाड़ी बैक की जाती थी। अब अपन थोड़ा सा बाहर तक राउंड लगा के आएंगे। अच्छा, आपको हवा भी खिलाई जाए तो उसके लिए अपन फैन ऑन करते हैं। ये वाइपर चला, फैन कहाँ से चलेगा देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या। ये अपना फैन चालू हो गया है सर, हवा का आनंद उठाते हुए। फिर ये देखिए, ये पुराने ज़माने के AC हैं ये। अब आप देखेंगे पूरा हवा और AC के साथ में पूरा आनंद लेंगे अपन।
अभी साथ में मैं आपको इस तोप के बारे में बता देता हूँ, ये भी हमारे द्वारा बनाई गई है सजाने के लिए और बहुत ही सुंदर। ये सेकंड गियर है, अब आप देखेंगे गाड़ी उड़ने के लिए तैयार हो गई है, कमर की पेटी बांध के बैठे और आनंद लें। 1954 मॉडल हिंदुस्तान, ये फोर्थ गियर में गाड़ी आ गई है आपकी। पीछे से गाड़ियां आ रही है, उनको कैसे साइड दी जाए। मेरे हिसाब से इतनी राइड काफी होगी आज के लिए, बहुत है इतना समय भी बहुत कीमती है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ इस गाड़ी को चलाते हुए। उस जमाने में ये कितने की आई होगी? सर मैं लगभग ये 300-400 इस तरह से आती थी, 300 रुपए में 400 रुपए में गाड़ी आती थी। अच्छा, लेकिन उस वक्त 300-400 रुपए भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इससे भी इन गाड़ियों को चलाते वक्त एक विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो रोड पे और गाड़ियां चल रही है वो इसको देखने के चक्कर में और उन मिस ड्राइविंग हो जाती है और एक्सीडेंट का पूरा खतरा रहता है। तो अपने को इस गाड़ी से ज़्यादा ध्यान रखना है जो आसपास से गाड़ियां गुजर रही है, क्योंकि उनका ध्यान भटक जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आप देखेंगे कि किस तरह से हम इस 1954 मॉडल हिंदुस्तान का आनंद ले रहे हैं। और भाई साहब आप बताएंगे कि सीट पे बैठ के आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, जबरदस्त। और कितना कंफर्ट है? बहुत कंफर्टेबल है। पुराने जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो आज भी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।